জয় শ্রী কৃষ্ণ বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালোই আছো আর আমিও ভালো আছি। সকলকে আমার চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত। আজকে হচ্ছে রামনবমীর রেলিটা, তো সেটাই তোমাদের সাথে আজকে ব্লগটা ভালো করে শেয়ার করব। তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। এখানে হনুমান বাবাকে আর কি রেডি করা হচ্ছে, তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ হনুমান যে বনেছে বাচ্চাটা, তো সেটা আর কি ও আর কি রেডি হয়ে এসেছে। শুধু আর কি যে স্কিনে আর কি লাল রঙটা আর কি মাখা হয়নি, তো সেটাই আর কি এখন মাখা হচ্ছে। আর দেখতেই পাচ্ছ বাচ্চাটা একদমই আর কি দুর্বল মনে হচ্ছে, হনুমান বাবা একদম পাতলা সাতলা সেটাই আর কি বলা হচ্ছে। তো যাই হোক, আমি এখন প্রোগ্রামটা স্টার্ট করছি। हमारे लिए आज अर्चन चरणी है जो अपने उत्तर पूर्व प्रांत के संदर्भ उनको सम्मानित करने के लिए पूर्ण जी संजय जी तो मैं श्री रामचंद्र चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो आज श्री रामचंद्र का जो है आदर्श, आप लोग श्री रामचंद्र माइलों कर से देखते देखते हैं, तो अपना जीवन है ना, जो सब कुछ वहां से हम मिलते हैं। और श्री रामचंद्र क्योंकि वो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वो त्रेता युग, तो अपना हिंदू समाज के लिए आदर्श है। तो ऑर्डर क्या है, जहां क्या और उत्तर पूर्व प्रांत के पालक अधिकारी है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। सचिव अपने माननीय पवन जी और माता शक्ति दुर्गा वाहिनी की सभी बहनें गुवाहाटी से पधारे हमारे साथ में, अपने प्रांत के उत्तर पूर्व प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री माननीय हरसिंह तरांग जी एवं सभी क्षेत्र से पधारे हुए राम भक्त गो भक्त बंधुओं को आज हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित श्री राम रामनवमी और राम जन्मोत्सव कार्यक्रम शोभा यात्रा में सभी पधारे ऐसे सभी राष्ट्र प्रेमी गो प्रेमी बंधुओं पर आप शक्ति मां दुर्गा का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव
ऐसी मैं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। विश्व के जीवन का आधार है भारत, भारत की आत्मा है गांव, गांव का आधार है किसान और किसान का आधार है कृषि, कृषि का आधार है गोधन और गोधन का आधार हम सबको हिंदू समाज को इसकी रक्षा करने का दायित्व है, कर्तव्य है। हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम का जन्म भी उनके पूर्वज महाराज अभिजीत में संतान पैदा नहीं हो रही थी, फिर वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के नंदनी गो माता की सेवा की, मानवीय जीवन मूल्यों के संरक्षण এই দেখো আমি যে গাড়িটাতে বসেছিলাম তো সেখান থেকে আমি ভিডিওটা করছি, তো যেহেতু আর কি গাড়িতে বসেছি তো তার জন্য ভালো করে আর কি ভিডিও করাও যাচ্ছিল না, তো যেটুকু ছিল তো সেটুকুই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, পরের দিকে আবার শেয়ার করব। তো আমাদের রেলিটা আর কি শেষ হয়ে আমরা আবার এসে গেছি বিশ্রাম ভবনে, তো সেখানে আর কি খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। তো ব্লগটা আমি এই পর্যন্তই রাখছি, আগামী ব্লগে তোমরা সুন্দর করে দেখতে পাবে রেলিটা। তো যাই হোক, ব্লগটা এই পর্যন্তই, টাটা।